ट्रक में प्लास्टिक की चार बोरियों में गांजा छिपाकर ले जा रहे तीन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर भूरालाल चीतालाल मन्ना, अखिलेश परमार झारिया और चोतमल सत्यनारायण मीना है। तीनों से 78 किलो 360 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। गांजे की कीमत करीब 7,84,000 रुपए है। पुलिस ने ट्रक व गांजा जब्त किया है। तीनों तस्करों पर पुटीपोरी थाने में मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीण क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना पर ढाबा रुई खैरी परिसर में 24 जुलाई को उक्त कार्रवाई की। तस्कर यह माल आंध्र प्रदेश से ट्रक में छिपाकर ले जाते समय बुटीपोरी इलाके में पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस के अनुसार ग्रामीण क्राइम ब्रांच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 नागपुर के रास्ते ट्रक में गांजे की बड़ी खेप आने वाली है। क्राइम ब्रांच की टीम ने बुटीपोरी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई। इस बारे में वर्धा क्राइम ब्रांच पुलिस को भी जानकारी दी। पश्चात पुलिस की संयुक्त टीम ने न्यू हाईवे ढाबा रुखैरी के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। उक्त नंबर का ट्रक नागपुर की ओर आते देखकर रोका गया। ट्रक में भूरालाल मीना, अखिलेश झारिया और चोतमल मीना सवार थे। पुलिस ने तीनों को ट्रक से नीचे उतारा। ट्रक की तलाशी लेने पर कैबिन में 4 प्लास्टिक की बोरी में गांजा मिला। करीब 78 किलो 360 ग्राम गांजा था। तीनों तस्करों को बुटीपुरी थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। तस्करों से 4 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। एक मोटी कार्रवाई अपन के लिए है। निमका काय माहिती है कोण कितने रुपये कितने चा माल होता का संगते ना? स्थानिक गुन्हे शाखा नागपूर ग्रामीण चे पथक पेट्रोलिंग दरम्यान माहिती मिळाल्याने पोलीस स्टेशन बोरीचे स्टाफ सह नाकाबंदी करण्यात आली। सदर नाकाबंदी दरम्यान ट्रक क्रमांक RJ11GB4632 चेक केले असता सदर ट्रकचे कॅबिनचे वर 78 किलो 360 ग्राम गांजा मिळून आला। पंचासमक्ष सदर गांजा व ट्रक 28,23,600 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। आरोपी नामे भूरलाल चितरलाल मीना राहणार संजय गांधीनगर जिल्हा कोटा राजस्थान, अखिलेश परसराम झरिया वय 25 राहणार बागासवाई जिल्हा जबलपूर मध्य प्रदेश, चोतमल सत्यनारायण मीना राहणार भोरा जिल्हा बरान राजस्थान यांना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस येथे करण्यात येत आहे। सर मोटर्स कसा होता, इकडून कुठून माल आणला होता, इकडे कुठून देणार होते का सांगते? आरोपींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राजमुंड्री आंध्र प्रदेश येथून सदरचा माल लोड करण्यात आला आणि नागपूर येथे सदर मालची डिलिव्हरी करण्यात येणार होती। तरी सदर गुन्ह्यामागील मुख्य सूत्रधारांचा शोध घेण्यात येत आहे। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मानिकर के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। नागपुर ग्रामीण क्राइम ब्रांच पुलिस विभाग के पुलिस निरीक्षक अनिल जुट्टावार, सहायक पुलिस निरीक्षक करमलवार, जितेंद्र वैरागड़े, ASI बाबा केचे, हवलदार राजेंद्र चौधरी, नीलेश वर्वे, पुलिस नायक रामराव आड़े, दिनेश आधापुर, सत्यशील कोठारी, सिपाही अमृत किंगी, बुटीपोरी थाने के उप निरीक्षक मोरखेड़े, हवलदार मिलिंद नांदुरकर, सत्येंद्र रंगारी, वर्धा ग्रामीण क्राइम ब्रांच के हवलदार चंद्रकांत बुरंगी, स्वप्निल भारद्वाज, राजेश तिवरकर व अन्य पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई में सहयोग किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।